एक नई ज़ुबान सीखते हैं लैंग्वेज लर्निंग के हमारे साथ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स है इसमें हम एक करिकुलम को फॉलो करते हैं एक स्पेसिफिक सिलेबस होता है हमारे साथ वो हम पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक्स वगैरह इसके लिए हम पढ़ते हैं और क्लासरूम इंस्ट्रक्शन होते हैं क्लासरूम इंस्ट्रक्शन में फिर डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमारे साथ आते हैं क्लासरूम का जितना भी टाइम होता है वो इक्वली डिवाइड होता है उसमें हम रीडिंग लिसनिंग राइटिंग और स्पीकिंग ये करते हैं और इसमें फिर हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं प्रेजेंटेशन करते हैं और ये भी इंस्ट्रक्शन होता है कि आपने नेटिव लैंग्वेज जो है वो क्लासरूम में नहीं बोलनी है डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है ये सारी क्लासरूम के इंस्ट्रक्शन और ये एक्टिविटीज़ लैंग्वेज लर्निंग के लिए हम क्लासरूम में करते हैं लैंग्वेज लर्निंग में हमारा फोकस जिस लैंग्वेज को हम सीखते हैं उसकी ग्रामेटिकल रूल्स पर होता है और उसकी वकेबलरीज पर होता है अपनी फर्स्ट लैंग्वेज के अलावा या उस लैंग्वेज के अलावा जिसकी कम्युनिटी के साथ हमारा वन इन वन इंटरेक्शन आ जाता है जिस तरह के हम फॉरन मुल्क में चले जाते हैं फॉर एग्जांपल फ्रेंच फ्रेंच के साथ हमारा एक वन इन वन इंटरेक्शन आ जाता है उसको हम फिर सोसाइटी से सीखते हैं इन दोनों के अलावा जितनी भी हम लैंग्वेज सीखते हैं उसको हम लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं दूसरा हमारे साथ लैंग्वेज एक्विजिशन है लैंग्वेज एक्विजिशन एक नेचुरल और अनकॉन्शियस प्रोसेस है जिसके ज़रिए से हम ह्यूमन लैंग्वेज सीखते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन में हम लैंग्वेज सीखते हैं लेकिन ना हम उसके लिए फॉर्मल इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं ना कोई कॉन्शियस एफर्ट लगा लेते हैं बल्कि उस लैंग्वेज की कम्युनिटी के साथ हम इंटरेक्शन करके थ्रू इंटरेक्शन हम वो लैंग्वेज अक्वायर कर लेते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन में जिस लैंग्वेज को हम सीखते हैं उस लैंग्वेज की कम्युनिटी को एक्सपोजर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस लैंग्वेज की कम्युनिटी के साथ हम इंटरेक्शन कम्युनिकेशन करके उस लैंग्वेज को हम एक्वायर कर देते हैं और विदाउट एक्सपोजर ये हम लैंग्वेज नहीं सीख सकते लैंग्वेज एक्जिशन में अगरचे हमारे पास उस लैंग्वेज के ग्रामर और किबलरी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होता लेकिन उस लैंग्वेज में हम बोलना सीख जाते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन के एग्जांपल में हमारे साथ मदर टंग आता है जिसको हम फर्स्ट लैंग्वेज कहते हैं या जब हम अब्रॉड चले जाते हैं उस लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज को हमारा कम्प्लीटली एक्सपोजर हो जाता है उसको हम लैंग्वेज एक्विजिशन में इंक्लूड करते हैं इसके अलावा हमारे साथ हम डेली बेसिस पर सोशल मीडिया कंज्यूम करते हैं टी वी शोज़ मूवी मुझी, म्यूज़िक वगैरह उनसे भी हम लैंग्वेज अक्वायर कर सकते हैं आ, इसके अलावा हमारे साथ डिफरेंट नेटिव स्पीकर के कन्वर्सेशन ग्रुप्स होते हैं वो उनसे भी उनके साथ हम इंटरेक्शन कम्युनिकेशन करके भी लैंग्वेज अक्वायर कर सकते हैं